गवारा प्यार नहीं, तुमसे ये कहना है तुम्हें भी नमस्कार दोस्तों, एजे बाटी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस सेटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी देखा आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VPN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इधर से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों उसी तरह से मैं यहाँ से अपने पोस्ट है जो कि यहाँ से आपको 28 पोस्ट है वो ऐड कर लेने थे, उसी तरह से मैं यहाँ से अपने 28 पोस्ट ऐड कर लेते। होने के बाद इधर से तीर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड हो जाने के बाद इधर से आपको अपने जो ऊपर आपको एक म्यूजिक का ऑप्शन दिख रहा है तो उधर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से आपको अपना म्यूजिक है वो मैंने पहले से इधर बीट मार्क करके रखा है, उसी तरह से म्यूजिक बीट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर मैंने आपको जो वीडियो का जो आपको कमेंट बॉक्स में इधर इसकी वो जो बीट गए वो रहेंगे वो आपको सेकंड उधर देखने को मिल जाएगा। तो उधर देख देख के आप आसानी से इधर बीट है वो उस तरह से ऐड कर सकते हो जो कि कमेंट में आप देखोगे तो उधर आपको अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो वो आपको कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको एक ओरिजिनल वाला ऑप्शन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक जो आपको अपना थोड़ा जूम कर लेना है पोस्ट को, उसी तरह से जूम करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ और आपको अपने पोस्ट है वो बीट के हिसाब से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने पहले बीट है वो कुछ इसी तरह से आपको कर देना है। करने के बाद दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और आपको आप इधर पहला वाला ऑप्शन है तो पहला आपको इधर ये वाला इफेक्ट जो पहला वाला ये इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यस पे क्लिक कर देना है और उसी तरह से आपको वापस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और दूसरे वाला में आपने आपको ये वाला इफेक्ट है तो दोस्तों उसी तरह से आपको ये दो इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से हमने ये दूसरे में ये इफेक्ट किया तो ये कर देना और पहले में आपने जो ये वाला इफेक्ट है तो ये ऐड कर लेना। उसी तरह से आपको कम से कम 13 सेकंड तक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से मैं 13 सेकंड तक आ जाता हूँ जो कि हमारा सॉन्ग रहेगा वहाँ से स्टार्ट रहेगा। तो यहाँ तक आपको कुछ इसी तरह से कर देना है और यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो पूरा चेंजिंग रहेगा तो उसी तरह से यहाँ से अपना इफेक्ट को आपको चेंज कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा जो कि इधर से अपना बीट रहेगा वो अलग तरह का रहेगा। तो यहाँ से आपको अपना इफेक्ट है वो जूम आउट का ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से इधर एफएक्स में जाना है और इधर से आपको जूम आउट का इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इसे फुल कर देना है और यहाँ से आपको सबसे पहले आपको जूम आउट का इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर आपको सब इफेक्ट को आपको कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से अपने इफेक्ट को कुछ इसी तरह से सभी इफेक्ट को कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना इफेक्ट है वो सभी कुछ इसी तरह से आपको सभी बीट के हिसाब से सेट कर लेना है। यहाँ से एफएक्स में जाना है और यहाँ से आपको अपना इफेक्ट है वो आपको कुछ इसी तरह से जो आपका साइड राइट इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर आपको पूरे में आपको साइड राइट का इफेक्ट कर देना है जो कि यहाँ से 27 सेकंड तक आपको साइड राइट का इफेक्ट है ये ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक आपको ये का ये इफेक्ट है जो आपका इफेक्ट है वो ऐड कर लेना। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो चेंजिंग रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक आपको वो का वो इफेक्ट कर देना है और उसी तरह से यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो जो कि अलग तरह का रहेगा। तो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में कर देना है और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको कम से कम 27 सेकंड के बाद यहाँ पर आपको अपना इफेक्ट है वो अलग तरह का करना है। तो यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा वो शेक इफेक्ट आपको ऐड कर लेना है। उसी तरह से आपको एंडिंग तक शेक इफेक्ट ही ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। उसी तरह से आपके सामने ब्लैक स्क्रीन वीडियो आ जाएगा
और यहाँ से हमने इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा। तो इधर हम इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड करके दिखा देते हैं, जो कि देख सकते हो उसी तरह से कुछ ही देर में हमारा वीडियो रहेगा उधर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेता हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ से अपना एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो रहेगा वो ऐड कर लूँगा। तो उसी तरह से मैं इस ब्लैक स्क्रीन वीडियो कर देता हूँ, इसे यहाँ से फुल कर देंगे। फुल करने के बाद दोस्तों इसे आपको फुल कर देना है और उसी तरह से आपको इधर आपको अपने वीडियो को चेक कर लेना है, जो कि स्क्रीन के हिसाब से पूरा सेट हो जाएगा। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से नीचे एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्क्रीन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा और उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। एडिट करने के बाद दोस्तों ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पे क्लिक कर देना, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।